आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज की तारीफ की है। जैत को नशा मुक्त गांव बनाने के संकल्प का उमा भारती ने स्वागत किया। जानकारी दे दें कि मंगलवार को जैत पहुंचकर गांव वालों को संकल्प दिलाया था नशा मुक्ति का, और उमा भारती ने ट्वीट कर इस पहल का स्वागत भी किया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ये ट्वीट किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कल दिनांक 8 फरवरी को अपने जैत गांव को पूरी तरह नशा मुक्त गांव बनाने का संकल्प ग्रामीणों को दिलाया। ये शराबबंदी नशाबंदी की दिशा में स्वागत योग्य कदम है, ये उमा भारती ने ट्वीट किया है। और न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, उमा भारती तो पहले से ही मुखर रही हैं शराबबंदी को लेकर, लगातार उनकी तरफ से मांग उठाई जाती रही, और अब क्योंकि प्रदेश के मुखिया जैत पहुंचे, वहां उन्होंने नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया, तो इसे कैसे देखा जाएगा? देखिए उमा जी, मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति का एक पहल को लेकर वो निरंतर प्रयास कर रही हैं जी, और उनकी कोशिश भी है। जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि फरवरी के तीसरे सप्ताह के बाद वो मध्य प्रदेश में शराबबंदी की अपनी मुहिम को लेकर अपनी आगे की दृष्टि, सोच और रणनीति का ऐलान करेंगी या कर सकती हैं। चूंकि सरकार बीजेपी की है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उमा जी अपना बड़ा भाई मानती हैं, और ये बात वो समय समय पर कह भी चुकी हैं कि शिवराज जी उनके बड़े भाई हैं, और निश्चित तौर पर इन परिस्थितियों में ये अपेक्षा रखना कि शराबबंदी को लेकर उमा जी की तरफ से कोई बहुत तीखी पहल मध्य प्रदेश में आरंभ होगी, मुझे लगता है ये तो व्यवहारिक सोच नहीं है। लेकिन उमा जी इस मसले से अलग भी नहीं होने वाली हैं। जिस तरह से उन्होंने जैत को नशा मुक्त गाँव बनाने के संकल्प का स्वागत किया है, हो सकता है कि अब वो चरणबद्ध रूप से इसी अभियान को लेकर आगे बढ़े कि जनप्रतिनिधि, खासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों को नशा मुक्त घोषित करने के लिए और इस दिशा में आगे बढ़ने का एक अभियान छेड़ें, और इस तरह से चरणबद्ध रूप से मध्य प्रदेश को फेजेज में हम कह सकें कि ये मध्य प्रदेश में धीरे धीरे हम नशा मुक्ति और शराबबंदी अभियान की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनके इस अभियान को लेकर एक बार उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसी चर्चा की भी संभावना बन सकती है, और उस चर्चा को लेकर इन दोनों ही वरिष्ठ नेताओं के मन में भी कोई प्रारूप निश्चित तौर पर होगा, और संभवतः फोन पर या किसी और स्वरूप में दोनों नेताओं की इसको लेकर एक अनौपचारिक चर्चा भी हो चुकी हो। तो मुझे लगता है कि शराबबंदी का एक माहौल मध्य प्रदेश में बनना आरंभ हो गया है जी। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद भीतर भीतर इसके लिए अपने को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और उमा जी तो निश्चित तौर पर इसको एक बड़े अभियान के तौर पर लेकर आगे बढ़ी हैं, और वो इससे अलग मुझे नहीं लगता कि वो होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैत को नशा मुक्त करने का संकल्प ग्रामीणों को दिलाया, और उससे शायद नशा मुक्ति की तरफ, शराबबंदी की तरफ एक कदम हम कह सकते हैं शरद जी की सरकार बढ़ा रही है। धन्यवाद आपका बातचीत के लिए।